डिंडोली खाते आवेल ओल्ड एज होम श्री महेश्वरी मस्कान महिला मंडल सूरत द्वारा भोजन बनावा माटे रसोडू बनावी आपवामां आवी छे। सूरत शहेरना लोको दुनियाभरमां मददगार स्वभाव तरीके ओळखाय छे, त्यारे डिंडोली खाते आवेल ओल्ड एज होममां श्री महेश्वरी मस्कान महिला मंडल सूरत द्वारा भोजन बनावा माटे रसोडू बनावी आपवामां आव्युं हतुं। અહીં રહેતા વૃદ્ધાઓની માટે જમવાનું બનાવવા યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાથી સંચાલકો દ્વારા શ્રી મહેશ્વરી મુસ્કાન મહિલા મંડળ સુરતને વાત કરી હતી, ત્યારે તેઓ દ્વારા રસોડું બનાવી માનવતા મહેકાવી છે। બિમલા દેવી સાબુ આજ યહાં વૃદ્ધાશ્રમ મેં જહાં કી 50-60 હમારે વૃદ્ધ ભાઈ બહેન રહેતે હૈ ઉનકે લિયે કિચન કી વ્યવસ્થા નહીં થી તો મહેશ્વરી મુસ્કાન મહિલા મંડળને किचन बना के दिया है भोजन कक्ष, तो उसकी आज उद्घाटन था, उसमें मैं आई हूँ। यहाँ क्या था, हम 2-3 बार आए थे तो पता चलता था कि घर घर से खाना बन के आ रहा है, वृद्ध लोगों के लिए खाना बनाने की जगह नहीं है। तो फिर हमारे संगठन की अध्यक्षा के मन में आया कि भाई अपन कुछ किचन बना के दे दें तो इनको आराम हो जाएगा। कुल 5.5 लाख में ये बना और हमारे जो समाज के सब भाई है, रामगोपाल जी मुंद्रा, रामतन जी भूतरा, गजान जी मालपानी और काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने सहयोग दिया हमें और वो सहयोग ही हमने लगाया। अविनाश चांडक, जिला अध्यक्ष, सूरत जिला महेश्वरी सभा। सूरत के महेश्वरी समाज द्वारा इसका महिला मंडल ने, मुस्कान महिला मंडल ने जो बीड़ा उठाया और यहाँ पर किचन की व्यवस्था करी है, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं ओल्ड एज होम के अंदर, उनके खाने की व्यवस्था नहीं थी, किचन नहीं था, उस किचन को बनाने का कार्य अपने जिम्मे लिया है और महिलाओं ने सबको साथ लेकर के महिलाओं ने ये कार्य को पूरा किया है। समाज हमेशा इसमें अग्रणी रहा है, पूरे शहर में हर जगह हमारे भवन स्कूल्स हैं, ये काम बहुत हम लोग हमेशा करते आए हैं, महिला मंडल का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। आज हमारे मुस्कान महिला मंडल की तरफ से हमने किचन इसमें बनाया है ओल्ड एज में, तो आज इसकी ओपनिंग है। तो आज हम पहले हम तो ऐसे ही आए थे, मतलब उनको संक्रांत में कुछ 1 महीने का राशन देने के हिसाब से आए थे, फिर उनको देख के ऐसे लगा कि इनको यहाँ खाने की बहुत रसोई की बहुत ज़रूरत है, तो बाहर से भोजन बन के आ रहा था ना, इसलिए हमने सोचा ये कि इनको ये लोग से बोले रसोई से नहीं, यहाँ सबकी ऐसे देखभाल अच्छी हो रही है, सब अच्छे है और सब स्वस्थ है, 1-2 है बीमार है वो सब अच्छे हैं, और डॉक्टर वैसे हाथ के हाथ दिखाते हैं जो बीमार है वो अच्छे हैं स्वस्थ।